नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय राम गणेश गडकरी की 104वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश वचनालय, गडकरी युवा मंच, गडकरी स्मृति निलयम, राम गणेश गडकरी कला वाणिज्य जूनियर एवं सीनियर कॉलेज, व्यापारी संघ, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ, राम गणेश गडकरी स्मारक संघर्ष समिति आदि पदाधिकारियों के साथ साथ गडकरी प्रेमियों की उपस्थिति में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने निवास स्थान, गणेश वाचनालय, समाधि स्थल तथा पुतले पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसिद्ध नाटककार, भाषाविद शेक्सपियर स्वर्गीय राम गणेश गडकरी की विरासत को संजोने वाले सभी संस्था पदाधिकारी ने स्वर्गीय राम गणेश गडकरी की स्मृति को नमन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश वाचनालय सावनेर में एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, डॉक्टर विजय धोटे, समाज सेवी आदि की मौजूदगी में राम गणेश गडकरी युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष किशोर धुंधेले, सचिव प्रथमेश देश पांडे, राम गणेश गडकरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अध्यक्ष युवराज टेकाडे, सचिव प्रोफेसर विजय टेकाडे और शिक्षक वर्ग गडकरी स्मृति निलयम की श्याम धोटे, आकर रंगभूमि के आकाश पौनीकर तथा दैनिक निर्भीक के संपादक पांडुरंग भूंगादे, व्यापारी संघ के विनोद जैन, राम गणेश गडकरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरुण रुसिया, अरुण कदम्बे, मुकेश छेनिया, अभिषेक साहू, विनय वाघमारे तथा अन्य गडकरी प्रेमी ने नगर परिषद सावनेर द्वारा गडकरी पुतला एवं समाधि स्थल, वैसे ही पुरातत्व विभाग नागपुर द्वारा गडकरी निवास स्थान को फूलों एवं विद्युत प्रकाश से आकर्षक ढंग से सजाया गया। एडवोकेट श्रीकांत पांडे, पूर्व नगराध्यक्ष एडवोकेट अरविंद लोधी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सावनेर संवाददाता मुकेश छरबड़े की रिपोर्ट। आज कैलाशवासी राम गणेश गडकरी चौथी पुण्यतिथि है। या निमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण राम गणेश गडकरी स्मारक संघर्ष समितीच्या वतीने मागील 35 वर्षापासून आपण राम गणेश गडकरी यांची पुण्यतिथी मोठ्या उत्साहाने साजरी करतो। आज त्या निमित्ताने माल्यांपर अर्धकुटी जो पुतळा होता गडकरींचा, त्यांच्यावर माल्यांपर अर्पण करून समाधीवर पण श्रद्धांजली वाहिली व आज आपण समितीचे कार्यकर्त्यांनी निवासस्थानाला, गडकरींच्या निवासस्थानाला भेट दिलेली आहे। संध्याकाळी यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने कवी संमेलन व कीर्तनाचे आयोजन पण करण्यात आलेले आहे। सर्व लोकांनी जसं उपस्थित राहावं असे आवाहन करतो।